भाइयों और उनकी बहनों, सोनी चलचित्र प्रस्तुत करते हैं सिर्फ आपके चैनल पर द बॉम ऑफ ऑल कॉमेडी शोज। अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर महाआरंभ। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं रेशमी घोष। मैं स्वागत करती हूं आप सबका उस शो में जहां आप डेली बेली पकड़कर हंसते हैं। मेरा मतलब है पेट पकड़कर हंसते हैं भाई, और क्यों ना हंसे। पिछले 4 सालों से 800 से ज्यादा घंटे तक हमने आपको हंसा हंसा कर एंटरटेन किया है, वरना लोगों से घंटा क्या, आधा घंटा भी कॉमेडी नहीं होती। और इस बार हम लेकर आए हैं कॉमेडी सर्कस का नया दौर, नया दौर, नया दौर। और इस दौर की दौड़ में शामिल हो रहा है देश के कोने कोने से ढूंढा हुआ नया टैलेंट, कुछ नए बेहतरीन कॉमेडियंस जिनकी बागडोर संभालेंगे आपके फेवरेट कॉमेडियंस कृष्णा, कपिल, भारती। तो कॉमेडी के नए दौर की शुरुआत करते हैं एक नई हस्ती के साथ जो पहली बार टेलीविजन के किसी भी शो पर जज बनकर आ रहे हैं। प्लीज वेलकम द रिनाउंड एक्टर, सक्सेसफुल प्रोड्यूसर एंड खानों में खान, सोहेल खान। बेबी बेबी के साथ बोर्ड डांस हो गया है, अब सीधा मम्मी को बुलाते हैं, कॉमेडी की मम्मी को। वेलकम सोहेल। और मेरे लिए वेलकम नहीं। अर्चना जी, आपको मुझे वेलकम करना चाहिए, आप तो इस शो में 4 साल से हैं। सो वेलकम टू यू ऑन दिस शो। थैंक यू सोहेल, मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है ना? सॉरी, इस एपिसोड में नहीं। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा एक बड़ा नहीं, एक लंबा सरप्राइज, एक लंबी ड्रेस। लेकिन इस एपिसोड में मैं एक सब कंटेस्टेंट्स के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। पेमेंट? सॉरी अगेन। आहा, देन व्हाट? देखिए आप, सोहेल शोरील दिखाने की क्या जरूरत थी, इसमें क्या सरप्राइज है कि तुम सोहेल खान हो? वी ऑल नो योर सोहेल खान। आजकल मेरे आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे, काम ही वैसा कर रहा हूँ, लोगों का सरप्राइज कम शौक ज्यादा लग रहा है। अर्चना, जोक्स असाइड, इस कॉन्टेस्ट के विनर जोड़ी को सोहेल खान प्रोडक्शन में एक अच्छा सा रोल मिलेगा। प्लीज हैव योर सीट। अब बारी है टीम लीडर्स की जोड़ी से मिलने की, और जब मंच है कॉमेडी का तो ऐसा स्टार चाहिए जो कूली नंबर वन की तरह हर एक्ट को उठा दे, आंटी नंबर वन की तरह सबको हंसा दे, द डैडी ऑफ कॉमेडी, क्योंकि मम्मी ऑफ कॉमेडी तो पहले से ही हमारे पास है, द वन एंड ओनली गोविंदा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं जिस शख्सियत को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं वो कोई आम आदमी नहीं है, उसका दुनिया में इतना नाम है जितना अर्चना जी का पहलवानों में। तो पंजाब की गलियों से निकलकर 5 नदियों से ढसल कर उछल उछल कर आपके सामने आ रहे हैं खाली द ग्रेट, नहीं नया टैलेंट सूरी द ग्रेट। इतनी छोटी छुरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अबे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आज काट डालूंगा सारे नाखून। अबे 4 साल से शो कर रहे हो हर हफ्ते, पर आप उनको हफ्ता नहीं दिया। अबे गंजे, अबे पंजाब के मुस्टंडे, टेढ़ा क्यों हो गया? वो एक्चुअली पिछले मोहल्ले से हफ्ता वसूला है ना, 5 रुपए का सिक्का जेब में, बैलेंस बिगड़ गया। अपन यहाँ भी हफ्ता वसूलने आ रहे, अपन यहाँ का दादा है दादा। हाफ टिकट।
हफ्ते हफ्ते यहाँ आया है, तू यहाँ हफ्ता लेगा? तू समझता क्या है खुद को? अब अपन पर हाथ नहीं उठाना, समझा? नहीं तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाथ तुझ पे मैं उठाऊंगा, मैं प्रॉब्लम में कैसे आऊंगा? मैं ऐसे बेहोश आऊंगा कि तेरे कोई हॉस्पिटल छोड़ के आना पड़ेगा। आ गया ना प्रॉब्लम में? नहीं आऊंगा। क्यों? इतनी जोर से नहीं मारूंगा। हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटकले मंटी में खड़ी एंटी बजा ली है बार बार घंटी, खुला घुमा के बच्चे को बट ले तो क्या फुटले बटले सावन क्या। देखा कुछ नहीं हुआ अपुन को। ए अर्चना, तू पैसा कमाने के लिए जज बन गई। अब उनको बोला होता गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब तेरे कदमों में रख देता। रो क्यों रहा है? मेरे साइकिल की चाबी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। ये चाबी मिलेगी ही नहीं। और रो नहीं, ये हंसने का शो है। तो आप लोगों के सामने आ रहे हैं नए टैलेंट सूरी द ग्रेट। आए हैं फिर से, आए हैं फिर से, आए हैं करता रे। दोस्तों वजनदार कॉमेडी के लिए वजनदार होना बहुत जरूरी है। आज के आर्टिस्ट कैसे हैं? कम सिन नाजुक। तो आइए ऐसी ही कम सिन नाजुक आपके नजर है विशाखा। ओह गॉड, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। ओह गॉड, पहचाना पहचाना मुझे? नहीं, इतना सा भी नहीं। नहीं, इतना सा कुछ भी नहीं है तुम्हें। जो है वो इतना है। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आप कृष्णा के मामा हो ना शर्मिंदा। कृष्णा मेरा भांजा है गोविंदा। मैं अब कृष्णा के मामा हो तो शर्मिंदा होना बनता ही है ना। अब शर्मिंदा हुआ। लेकिन गोविंदा जी, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे पार्टनर हो गए। आप ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं आपको आपके पार्टनर से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बाद में। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाखा। दोस्तों देश के कोने कोने से कॉमेडी सर्कस आपके लिए नया टैलेंट लेकर आया है, और ये लड़की तो बहुत ही खास कोने से आ रही है। सो वेलकम प्रिया। राजा तुम पागल हो, तुम जोकर हो। मैं तो जो हूँ सो हूँ, तुम कौन हो? राजा तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे करिश्मा, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई? एक तो दो तीन महीना टीवी पर नहीं आओ, कोई पहचानता ही नहीं। आज राजा तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तो बाहर सुपरस्टार प्रिया रैना भी नहीं पहचान रही थी। ये कौन है? तुम प्रिया रैना को नहीं जानते? मैं प्रिया को जानता हूँ, रैना को नहीं। राजा वो सब छोड़ो, राजा मैं यहाँ पर नए टैलेंट में आई हूँ। नहीं, तुम पर्सनालिटी हो। नहीं राजा, मैं प्रिया हूँ। नहीं, तुम करिश्मा हो। सर मैं प्रिया रहना हूँ। सो वेलकम प्रिया। प्रिया, ये तूने क्या किया? वाह सर, मजा आ गया। शुक्रिया सर, आपने तो हमें हमारे न्यू टैलेंट से मिलवा दिया, लेकिन क्या आप तैयार है हमारे पुराने धुरंधरों से मिलवाने के लिए? Why not?
वेलकम हमारी पहली धुरंधर जोड़ी भारती और सिद्धार्थ। प्लीज वेलकम जोड़ी नंबर वन भारती एंड सिद्धार्थ जाला। गोविंदा जी सारे इंट्रोडक्शंस के लिए एंड आई होप आप भी उतने ही एंटरटेन होंगे इनके एक्ट्स देखकर। व्हाई नॉट, काइंडली प्लीज टेक योर सीट। अब शुरू करते हैं कॉमेडी की रोलर कोस्टर राइड। अब वक्त है हर टीम से लीडर जोड़ी को स्टेज पर बुलाने का। अब बारी है कॉमेडी सर्कस के चार सीजन जीत चुके कपिल की। कपिल जब भी स्टेज पर आते हैं कुछ नया करते हैं, हर बार नई पार्टनर, यहाँ तक वो अपने पंचेस भी रिपीट नहीं करते और उनका बस चले तो अपनी जीत भी रिपीट ना करे। तो इस बार क्या करना चाहते हैं वो, लेट्स सी। प्लीज वेलकम हमारे पुराने धुरंधर कपिल और उनकी पार्टनर अंकिता। बंद कर इसको, बंद कर साले। मैडम फिर से जज लगे रहो पैसा कहाँ गया जा रहा है। पैसे का इतना लालच मैंने आज तक नहीं देखा। पैसे के चक्कर में प्रमीत को सोहेल खान बना के बिठा दिया उसने। हद होती है पैसा, इतना लालच क्या करना है। परसों एक बुढ़िया को सड़क पार करवा रही थी मैडम। बुढ़िया ने इतनी दुआएं दी, बुढ़िया कहती बेटे जीते रहो, भगवान और तरक्की दे। कहती बुढ़िया दुआएं मत दे, मैं लेट हो रही हूँ, 10 रुपए निकाल। बुढ़िया बेचारी के पास 10 रुपए देने के लिए थे नहीं, उसको ऐसी जगह छोड़ के आई, उसका 150 रुपए लगा ऑटो में। सोहेल भाई मैंने पहचान लिया, आप असली वाले हो ना। भाई मैं आपके 1000 रुपए वैसे दे देता, आपको पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी। मैंने इनसे 1000 रुपए लिए, मेरे पीछे पीछे घूम रहे तब से। अब अर्चना जी आपके जैसा तो मैं हूं नहीं। एक बार इन्होंने परमीत से 500 रुपए लिए उधार, चुकाए नहीं गए, उसी के चक्कर में शादी कर ली। मैं दे दूंगा आपके पैसे, बस ये ट्रॉफियां बिक जाए। 4-4 शो किए, साला कोई नहीं पहचानता मेरे को। ले लो कॉमेडी सर्कस के तानसेन 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए कॉमेडी सर्कस का जादू 20 रुपए जादू 10 रुपए। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो सोहेल सर, एक्चुअली आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना, ये टीवी के साथ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आजकल मैं टीवी पे इतना ज़्यादा आने लग गई हूँ ना कि ये टीवी मेरा साथ ही नहीं छोड़ता है। पहला पंची फ्लॉप। वैसे तुम कपिल हो ना? नहीं मीनाक्षी हूँ। मजाक मत करो। मजाक मत करो, मजाक का शो ये लोग क्या गरबा खेल रहे हैं? मजाक का शो है, मजाक नहीं करेंगे और क्या करेंगे। मैं समझ गई कि तुम कपिल हो, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है, अर्चना मैम अपना शेविंग करना भूल सकती है लेकिन तुम कॉमेडी करना नहीं भूल सकते। क्या बात है, कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगातार दूसरा पंच फ्लॉप। वैसे तुम हो कौन अंकिता लोखंडे? मैं टीवी सीरियल की सबसे बड़ी स्टार हूँ। इधर जो भी लड़की आती है ना यही बोलती है, मैं सबसे बड़ी स्टार हूँ। बाद में इनकी शूटिंग पे जाओ पता चलता है जो सबसे बड़ी स्टार होती ना उसके पेटीकोट में नाड़ा डाल रही होती है। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। क्यों? मेरा नाम है मिस अंकिता लोखांडे। अंकिता लोखांडे। मैडम आपके नाम से आप एक्ट्रेस कम लगती हैं, पांडू हवलदार की बीवी ज्यादा लग रही हैं। कपिल यू आर सो फनी, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनने आई हूँ। कॉमेडी सर्कस की? हाँ। ये सीजन तो नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? वो एक्चुअली मैडम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? मैं अभी ना डॉक्टर के पास गया था, जैसे मेरा ये चौथा शो ऑनर हुआ ना, जैसे मैं जीता 4 बार, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने नब्ज चेक करके बताया कि एटीट्यूड आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, 3-4 गंदे एक्ट करो, देखो भगवान की कृपा आप मेरी पार्टनर बन गई। एक तो गंदा हम कर ही रहे हैं, बाकी 2-3 और करेंगे। देखो मैडम टीवी में कुछ नहीं रखा है,
मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में है। इंटरेस्ट है तुम्हारा फिल्मों में? बहुत ज्यादा, मतलब पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, शाम को रेडी की दो टिकटें लेके आता हूँ, पीछे बैठ के देखेंगे। शट अप कपिल। Yes. मुझे लगा कि तुम मुझे फिल्म में चांस देने वाले हो। अबे फिल्म में मैं मेरे को तो खुद नहीं कोई फिल्म में ले रहा। देखो मैंने ये शो नहीं करना। अरे लेकिन क्यों? चार चार बार मैंने शो जीता, मेरे को पहचानता कोई नहीं। एक सेकंड, ऐसा तुम्हें किसने कहा? मेरे को तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या फैन फॉलोइंग है कपिल? अरे बाकी सबको छोड़ो, अर्चना मैम को देखो, वो तुम्हारी कितनी बड़ी फैन है। आई टेल यू, इनकी बात छोड़ो, ये तो किसी की भी फैन बन जाती है। परसों एक हलवाई ने आटे का पेड़ा तेल में डाला, उसका भटूरा बन गया। इतनी इंप्रेस हुई कि थी, ओ माय गॉड, इन्हें सच्चे लिटिल टाइम शी बिकेम प्रेग्नेंट। एक बात और बताऊं, तेरे को जज बना दे, तेरी बड़ी हंसी निकल रही। सुन ले, परसों ना परमीत की तबीयत खराब थी, उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर कहता है इनको रेस्ट की सख्त जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां। कहते कितने कितने घंटे बाद देनी है? कहते देनी नहीं, तूने खुद लेनी है। कहते तू सोएगी तो मैं रेस्ट करी। That's good. सुन, I have no time to waste. Okay. तेरे को पार्टनर बनाना ना, सुरेंद्र को बना ले तू। सुरेंद्र देख तेरे से कैसे देख रहा, मुंह खोल के। एक सेकंड कपिल, लेकिन इसे कॉमेडी आती है क्या? इसी को तो आती है। कल रीबॉक के शोरूम में गया है जूता लेने, भटक गया वहां पे, कहता सालों करोड़ों रुपए खर्च किया है, ट्रायल रूम तो बनाए नहीं। कपिल इसीलिए कह रही हूँ, मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम चाहिए और तुम चाहिए बस। मेरे को गुस्सा है प्रोड्यूसर पे साला। कहते नया शो बनाया, कॉमेडी सर्कस का नया दौर। क्या नया दौर है? नए कोर्ट से ला दी म्यूजिशियंस को, नया दौर हो गया। नया टैलेंट, ये देखो नया टैलेंट। हम लोग क्या पूरा, हमारे क्या अखरोट निकल आए? आज भी सर जी हमारे पुराने एक्ट निकाल के देख लो, दो तीन लाफ्टर मिल ही जाएंगे आपको। दो तीन नया टैलेंट, ये सूरी देखो। सूरी जरा खड़े होके दिखाना। ओ, खड़ा ही है वो। अभी बेचारा अमरूद में से पूरी तरह निकला, अपनी शो में ले आए उसको। कपिल, तुम्हें शायद पता नहीं कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। तुम्हें पता है वो बालिका वधू में बालिका वधू का रोल करने वाला था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने टकले पे सिंदूर नहीं भरूंगा, तो उसे निकाल दिया। तालियां लगातार, तीसरा पंच फ्लॉप। देखो ये नया टैलेंट देख लो, ये लड़की विशाखा देखो, इतनी मोटी लड़की है, पता है इसको पूछो ना पेमेंट, बोलती पेमेंट क्या, बस भरपेट खाना मिल जाए। वो तो जब खाना खाना शुरू करती, फिर प्रोड्यूसर कहता नहीं तू पेमेंट ही ले। ये देखो प्रिया रैना कितनी आवाजें निकल, तो ऐश्वर्या की आवाज क्यों निकालती उसको, वो ठीक नहीं निकालती क्या अपनी आवाज? ऐश्वर्या राय की आवाज निकालती ये लड़की। इसको पता ही कुछ नहीं है। पता है क्या मैंने इसको पूछा, मैंने कहा तेरे को क्या लगता है मतलब ये शो कौन जीतेगा? कहती जीतने भी आया कोई? कहती मेरे को तो लगा अंदर दो पागल से बैठे, उनको जोक सुनाना, साबुन की टिकिया मिलेगी, ऐसे बोल रही थी। इनके साथ करूंगा मैं नया शो? बिल्कुल नहीं, कल को इनसे हार गए तो कौन जिम्मेदार है? देखो कॉमेडी करना आसान काम नहीं है, ये रख इसको, तब से देख रही है किसके ऊपर फेंकेगा। देखो कॉमेडी करना कोई आसान काम नहीं, बड़े बड़े लोगों से नहीं होती सर। अपनी बकवास बंद कर, अगर तुझे मेरे साथ काम नहीं करना है तो मत कर, और वैसे भी मैं तेरी परमिशन लेने नहीं आई हूँ, समझा? अर्चना मैम, मैं आपसे और सोहेल सर से परमिशन चाहती हूँ कि मैं इस कॉमेडी सर्कस का एक हिस्सा बन सकूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पेमेंट नहीं लेनी, उनसे आके पूछो कैसा करती लड़की, रखनी है कि नहीं रखनी है, भेजे इसको। बात खत्म करो, क्या है? सोहेल जी, इस पुराने खिलाड़ी के बारे में आप प्लीज क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, बॉस हक बनता है। और आपकी जो टीम है ना, मतलब वो बेहतरीन टीम है। तो एनीथिंग, एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है, जो आप दोनों में कमाल का है। सुपर्ब यू गाइस। अर्चना
Sana ji. You both are rocking. Wishing that you get 10, 10, 10 each time because you deserve it. Thank you. Govinda sir. Kapil ke liye to main yahi kahunga ki you are so good. Soch samajh ke acche se kaam aap kar rahe hote ho aur itne acche hokar aapka kuch usme kuch galat na hona wo lajawab hai. Aur kyunki ye galat nahi hai, Ankita, aap log zyada acche lag rahe hain. Thank you. Please jaldi jaldi jaiye apne seat pe baith jaiye. It was a great thing to have you here. साथ देने आ रहे हैं महाराष्ट्र के सुपरस्टार सिद्धार्थ जाधव. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारती उन्हें किंगफिश के सिद्धार्थ कालिया समझ बैठी है. उनकी ये गलतफहमी इस मंच पर ही दूर हो जाएगी. तो चलिए स्वागत करते हैं पुरानी धुरंधर भारती और उनके न्यू पार्टनर सिद्धार्थ का. हाय सोनू, हाउ आर यू? हाय गोलू. आपको तो देख के सिर्फ दिल से एक ही आवाज निकल रही है, दस का दस. सोहेल जी बताइए ना, कितने प्रतिशत भारती आपको अच्छी लगती है? चलिए अब तो आप इधर ही हो, आप पे तो डोरे डालती रहूंगी. लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं आज कॉमेडी सर्कस नहीं कर रही. पता क्यों? सालों 4 सीजन से सेकंड ला रहे हो मुझे, हैं? बस अब नहीं कोई सेकंड होगा, क्योंकि जो इस बार का मेरा नया पार्टनर है ना, उसके साथ मैं पूरी लाइफ बिताने वाली हूँ. और मेरा नया पार्टनर कौन है आपको तो मेरी ड्रेस से पता चल ही गया होगा. यस, सिद्धार्थ कालिया, किंगफिश वाला. ओ गॉड, सिद्धार्थ. ओ माय गॉड, सिद्धार्थ. हाँ, देखिए ना मेरी तरफ. खिचे खिचे सर, मुझे एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आइए सर. देखिए ना मेरा खुद का पर्सनल कैलेंडर सर. देखिए ना सर, इधर से आइए, ये एंगल से देखिए कितनी अच्छी लग रही हूँ. एक्चुअली मैंने यहाँ तो बनाई है, लेकिन यहाँ भी एक तितली बनाई थी. एक्चुअली मैं इतनी हॉट हूँ कि उड़ गई. अर्चना ऐसे बैठ के क्या देख रही हो? अरे तुम भी ये सब कर सकती हो, बस एक कंप्यूटर ले लो. सर सर सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, मैं अपना नाम भी चेंज कर सकती हूँ सर, भारती सिंह से भारती पादुकोण. सुरिंदर, ये सुरिंदर, ये कुछ मुझे और ही समझ रही है, यही मौका एक्टिंग दिखाने का. मैं हूँ सिद्धार्थ. सर आपकी इतनी फ्लाइट्स हैं सर, देखो ना. हाँ. आज मैं ड्रेस में भी आई हूँ. हाँ. मुझे आप किसी फ्लाइट में एयर होस्टेस बनाएंगे ना सर? अरे बनाएगा ना, तेरे को ही एयर होस्टेज बनाएगा. अरे बहुत काम की चीज है तू, क्या करने का? टेक ऑफ पे टाइम पे ना ऐसा प्लेन के पीछे जाके बैठने का तो प्लेन ऊपर जाएगा, और लैंडिंग के टाइम पे ना ऐसा कॉकपिट में बैठने का तो लैंड हो जाएगा. इमरजेंसी लैंडिंग में ना ऐसा बीच में खड़े रहने का, इमरजेंसी लैंडिंग अच्छा पड़ेगा. अच्छा पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा. अगर जहाज पड़ा तो सर? पड़ा तो पड़ा, मेरे बाप का क्या जाता है. काले नहीं? नहीं मैं काले, मेकअप किया ना इसलिए गोरा लग रहा हूँ. देखो ए साले, सच सच बता तू है कौन? अरे सुपर जोर से काटती है. मैं वो सिद्धार्थ जाधव हूँ. तुम सिद्धार्थ जाधव हो? हाँ मैं सिद्धार्थ जाधव, कॉमेडी करने आया. फिर से मुझे ऐसा पार्टनर दे दिया, ये लोग हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते. फिर से सेकंड आऊं? अबे मुझे देख, फिल्मों का आर्टिस्ट हूँ मैं, आपके पिछवाड़े कभी कील घुसी है? तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते. एक मिनट, तुम वही हो ना जिसने रोहित के गोलमाल में काम किया था? हाँ मैं ही हूँ, रोहित के बगीचे का एक फूल. चुप कर, धीरे बोल. फूलों ने सुन लिया ना तो कन्वर्ट होके कैक्टस बन जाएंगे. समझे? और इधर आ, जब भगवान बंदरों में से इंसान बना रहा था तो तू कहाँ गया था?
ये देखने गया था कि हाथी क्यों कम हो रहे हैं। ये पंजाबियों का शो है समझे। अरे उधर देख, अर्चना पूरन सिंह, सुरेंद्र सिंह। अबे इनके नाम क्या ले रही है? अर्चना जी तो इतनी पुरानी है, तब कॉमेडी सर्कल भी नहीं था। पहले ये आई, फिर इसके आजू बाजू सेट बना, फिर प्रोग्राम शुरू कर दिया। और तुम लोग को पता है, उसके हजारों साल के बाद आदि मानव आए, फिर दुनिया बसी। इतनी भी पुरानी नहीं है वो। अरे जियो राजा, तुम्हारी बातों पे तो लाफ्टर आ रहा है। उसको बातें नहीं, भारतीय कॉमेडी कहते हैं, जो मुझे आती है। और मेरी वजह से इस सीजन में तू सेकंड भी ना है। क्या मतलब जीत जाए? अरे ऐसा एक्ट करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आए। यहाँ पे सारे ऐसा ही एक्ट करते हैं जो किसी को समझ नहीं आता। तो इससे भी गंदे एक्सप्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं। तो क्या करूँ, तू बता फिर। मैं करूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो। नहीं, तुम्हारी पार्टनर है भारती सिंह। तो तू कौन है बे? कॉमेडी सर्कस में इतने सालों की मेहनत के बाद, हाँ, आज मैंने कपिल की वैनिटी से जीतने का फॉर्मूला चुरा लिया है। क्या बात कर रही है? Yes! क्या क्या करना है? नंबर वन, क्या सबसे पहले भोला चेहरा बना के, हाँ, जजिस की बेइज्जती करनी है। हाँ। ये तो भोला चेहरा बना के पप्पी मांग रहा है। भोला होना पता नहीं चल रहा है। वैसे अगर सच में पप्पी मांगता तो कैसे मांगता? ऐसे नहीं करने का, वो नहीं आई है, डर के भाग जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे सबसे पहले स्टेज पे आने का, हाँ, आने का, और सुरिंदर पे एक मस्त पंच मारने का सबसे अलग। अभी अलग है ना, तो मैं मारता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। अरे रब्बा, इस सीजन का सबसे पहला पंच मेरे पार्टनर का। चल मेरा शेर, मार पंच। बिगाड़ दिया। सुनो अर्चना जी, क्या हुआ? परसों अपने सुरेंद्र ना सब्जी खरीदने बाजार गए, तो भैया सब्जियों पे पानी डाल रहा था, तो सुरेंद्र बाजी बोलते भैया को, दबड़ 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 दबड़। भैया बाजी, जब सब्जियों को होश आ जाएगा तो मुझे आधा किलो दे देना। थकिन इसमें अलग क्या था? अबे टोकरी में देख, बैंगन और आलू अलग अलग है। जी और राजा, क्या मस्त अलग अलग किया। फिर अगर ऐसे ही अलग अलग करता रहा तो एक दिन तू मुझे शो से अलग कर देगा। टेंशन मत ले भारती, चार सीजन से तेरी हार थी। लेकिन अभी मैं आ गया ना तो तू जीत जाएगी। और सुरेंद्र पाजी, कसम खाते हैं, इस सीजन में आप पे एक भी जोक नहीं मारेंगे। बजाओ जोर से, कुछ अलग बजाओ, तबला छोड़ो, ड्रम बजाओ, या पार्टनर बजाओ, चल बजाओ, बजाओ बजाओ, बजाओ। अर्चना जी, अब आप ही बताइए। भाई सिद्धार्थ मान गए आपको। कॉमेडी सर्कस का जो ये स्टेज है, ये बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धुरंधर लोग भी यहाँ पर आने से कतराते हैं। इस पर पावरफुली कदम रखना, जो आपने किया है, बहुत मुश्किल है। मैं भारती के लिए तो इतना ही कहूंगी कि भैया वेलकम बैक, क्या कहूँ, जब से मैं हूँ तब से तुम हो ऑलमोस्ट, यू नो। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको एक ऐसे कॉमिक टैलेंट के साथ देखकर भारती। सिद्धार्थ, आपका जो टैलेंट है, दैट इज ट्रूली डिजर्विंग ऑफ दिस स्टेज, एंड दिस स्टेज इज डिजर्विंग ऑफ योर टैलेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गोविंदा जी, भारती तू कभी नहीं हारती, क्या रूप है जाधव। मला तुला एवढं सांगायचं की तुझं टायमिंग फारच चांगलं आहे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। तो सोहेल, क्या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इनके लिए कुछ कमेंट्स देना स्पेशली? नहीं, इनफैक्ट भारती के लिए तो बहुत इजी है। जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हम बेशरम एक्टिंग, मतलब खुल के एक्टिंग। तो आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स कि आपके सामने कोई भी आ जाए, आप उसको खा जाओगे। और सिद्धार्थ यार भाव, मैं तो तेरा गोलमाल से फैन हूँ, एंड एज शी सेड, यू डिजर्व टू बी ऑन द स्टेज। थैंक यू, थैंक यू। आपसे
दूसरे की बात कहना चाहती हूँ जी, क्योंकि उधर से पास आके देखा बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप थोड़ा सा इधर आइए, नहीं थोड़ा सा नहीं पूरा आइए और जस्ट चिल, थोड़ा हम लोगों को चिल कर दीजिए सर। मैं यहाँ आया था जूते बूते पहन के, जब मैं इसके पीछे बैठा तो मैं चप्पल पहन लिए। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, चलो। हमारी अगली जोड़ी है जस्ट मेड फॉर ईच अदर। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें मैं बता देती हूँ कि ये दोनों मेल है और नॉर्मल मेल है, फिर भी इस तरह साथ रहते हैं जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू। अरे इनकी बॉन्डिंग की तो लोग कस्में खाते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों आज कॉमेडी की कौन सी रस्में तोड़ने जा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम हमारी पुरानी धुरंधर जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। क्या बात, नया सेट, नया शो, नया दौर और जज फिर वही। सॉरी अर्चना जी, आपके लिए एक उंगली काफी नहीं, आपके लिए तो ये लो, ये इतनी पुरानी है, माय गॉड। मैं तो बोलता हूँ इस शो का नाम हटाओ और रखो अर्चना पुरानी सिंह का कॉमेडी सर्कस। अर्चना जी का तो ये हाल हो गया, कोई एड्रेस भी पूछता है ना तो बताती है अंधेरी इस मोहन स्टूडियो जज की कुर्सी। और दिलेर पाजी कैसे हैं? दिलेर पाजी नहीं क्या? नहीं। अरे बहुत दिया जला जला कर लाइम लाइट में आने की कोशिश कर रहे थे वो, अब घर पे लाइम जूस पी रहे होंगे। माफ करना सर, थोड़ी बेइज्जती करते हैं हम जाने के बाद। जाने के बाद सोहेल खान। अरे पहचान गया सर, पहचान गया सोहेल खान। बताओ कैसे पहचाना? बाहर आपकी बजाज स्कूटर खड़ी है ना, वही देख के पहचान। मामा जी आए क्या? नहीं नहीं मामा जी, तो माफी मांगनी पड़ेगी भाई, मामा जी के सामने दारू। सॉरी सर, मैं क्योंकि मैं आपके सामने कभी कम दारू पी के नहीं आया हूँ सर। नहीं लेकिन एक बात है, दारू पी के इनके सामने आज तक कभी हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि बेहोश आदमी बोल ही कह सकते हैं। ये कह रहे क्राउड से निकल के ऊपर काहे को आके बैठी है तू? क्या नाम है तेरा? रेशमी। रेशमी? हाँ। किसी एंगल से रेशम लगती है, खद्दर लगती है। सॉरी यार, थोड़ा हम लोग ऐसे पंच में मारते, बुरा मत मारना यार, एक ही एपिसोड की तो बात है, फिर बाद में तेरे को निकाल देना है। खैर इधर सब बड़े बड़े लोग आ गए, साला वो सुदेश किधर गया? हेलो। हाँ सलमान भाई। अरे सलमान भाई, इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये अपनी फिल्म थी, हिट कराना मेरा फर्ज बनता था। आपने भी अच्छा किया सर। ए, हाँ? बात करवाना साले, तेरा तो मामा तेरे से सीधे मुंह बात नहीं करता, ये क्यों करेंगे? हट, सॉरी सर। नहीं यार वो कुत्ता कुत्ता। ओ हेलो, ये फोन किसका बज रहा है, बंद करो। ये शाने तेरा ही फोन बज रहा है। तो मैं बंद करना भूल ही गया। अच्छा। चले अपनी औकात में आया, अर्चना जी को मर्द बोल और उनके बाजू में तो दो स्टार बैठे, उनको सर बोल और एक्ट चालू कर साला। और कैसे अर्चना जी को? ओ हेलो यार, ये सलमान खान के भाई नहीं है? हाँ, है? फिर ये गोविंदा जी के गेटअप में क्यों बैठे? अबे साले, कोई गेटअप में नहीं बैठे, गोविंदा जी बैठे उधर। समझा? और उनके बाजू में बैठे ना सोहेल खान, हाँ वो हमारा नया जज है। साले मैं थप्पड़ मारने नया, ये कोई मामूली छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कितना बड़ा आदमी है तेरे को पता? क्या? कितना बड़ा आदमी होगा जिसने सलमान खान को अपना भाई रखा हुआ है। ये सब छोड़, अपन पार्टनरशिप कर रहे हैं, अपन ये शो बहुत बढ़िया करेंगे।
ओ यार तेरे को पार्टनर मैं बनाऊंगा, तुझे किसने कह दिया? अब मैं फिल्म स्टार हूँ, अब तो मैं किसी लड़की को अपना पार्टनर बनाऊंगा। क्योंकि कम से कम मैं भी तो यार थोड़े मजे ले लूं। अरे मैं तो कितनी बार लड़की बन गया तो तब मजे लेने का। और तू काहे को जोड़ी तोड़ना चाहता है? इतने सालों से हम काम कर रहे, कंसिस्टेंटली हम लोग हार रहे, टेंशन क्यों ले रहे थे? हेलो, तू क्यों रो रही यार? हमारी जोड़ी वो कहते बहुत अच्छी है, जब वो कह रही अच्छी तो अच्छी होगी। हाँ एक बात तो है यार, ये कपिल अगर अच्छा है मैं मानता हूँ अच्छा है, लेकिन अकेला अच्छा है। और हिंदुस्तान में साला जोड़ी तो एक ही फेमस है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कृष्णा और सुदेश की। हाँ जी, सुदेश साहब हमारा नाम इतना फेमस हो गया, हमें लोग कृष्णा सुदेश ही जानते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा अगर बाजार में जाता है लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है। तुम मानोगे नहीं, इसकी बीवी जब इसको प्यार करती है ना तो वो कहती बस करो सुदेश, अब मैं थक चुकी हूँ। क्या हुआ? जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, ये दुख का हंसी है। चुप हो जा मेरे दोस्त, चुप हो जा, कोई बात नहीं। पागल हो गए? ये क्यों पागल हुआ है? क्योंकि अर्चना जी ने कहा था तुम्हारा पागलपन ही मुझे पसंद है, और दोनों पागल हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अर्चना जी, कृष्णा योर स्टैंड अप इन द बिगिनिंग इज सुभान अल्लाह। आई मीन ह्यूज फैन ऑफ योर मामा हियर, द बेस्ट कॉमिक टाइमिंग इन द कंट्री इज गोविंदा, यू आर समबडी हु इज एज ब्रिलियंट एज योर मामा, यू ब्रिलियंट। एंड सुदेश, आई नो दैट आपकी वाइफ इज नॉट वेल एंड वी होप कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, उसके बावजूद आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। वेलकम बैक टू कॉमेडी सर्कस का नया। अब मैं सबसे पहले गोविंदा जी से पूछना चाहूंगी। गोविंदा का भांजा होना तारीफ है, प्यार है, उसका कर्म है, लेकिन जो तुमने किया वो तारीफ के काबिल चीज है। मेरी माँ के आशीर्वाद से सब बच्चे बहुत तारीफ के लायक हैं, और उसमें कृष्णा जो है सबसे अच्छा कर रहा है इसमें। और सुदेश जी, जिस तरह से आप इनका साथ देते हैं, ये आपका साथ देते हैं, और जैसे आप लोग संभालते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सोहेल जी। दिस इज माई फर्स्ट एपिसोड, आई हैड अ ब्लास्ट। और मैं तो मतलब अगर चीची भाई का सबसे दुनिया में बड़ा फैन हुआ तो मैं हूँ। और जब मैंने आपको स्टेज पे देखा, इट इज अ डिफरेंट पेडिग्री ऑफ एन एक्टिंग स्कूल, एंड आई थिंक इट रन्स इन योर फैमिली, आई थिंक इट रन्स इन योर ब्लड। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड सुरेश जी, आज जब मुझे पता चला दैट मैम को कुछ हुआ एंड यू स्टिल केम हियर एंड यू स्टिल परफॉर्म्ड, हैट्स ऑफ टू योर प्रोफेशनलिज्म। आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन। या इट वाज लवली हैविंग यू हियर वंस अगेन, एंड यू प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। So please welcome लागी तुझसे लगन की माही विज और न्यू टैलेंट पंजाब का शेर सूरी। पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। क्या अर्चना जी, आप भी शेखर की तरह फेस नहीं देखती? वैसे मुझे परमीत ने पहचान लिया था, बोला वही रात वाली ना, मैं तो पांव पे गिर गई, बोला आप कितने महान है वरना दिन में कौन पहचानता है। मुझे ना यहाँ पे अपना पार्टनर ढूंढने आई हूँ। मेरा पार्टनर ना बिल्कुल परमीत जैसा होना चाहिए, पाल परमीत जैसे, चाल परमीत जैसे, कॉमेडी भले ही ना आती हो, नाम मैं इसका कपिल रख दूंगी, दो नंबर तो नाम के ही मिल जाएंगे, क्यों अर्चना जी? वैसे मेरा पार्टनर गया कहाँ? मैं फोन लगाती हूँ। हेलो पार्टनर, वेयर आर यू? अबे मैंने कहाँ जाना है, यही हूँ मैं। तो सामने आओ ना। आता हूँ सामने, पहले जिप तो खोल। ओए बैग की नहीं, इस बैग की जिप खोल। देखा अर्चना जी, अभी तो सामने नहीं आया, इतनी रोमांटिक हो गई, जब सामने आएगा तो क्या करेगी।
देखा अर्चना जी, आते ही माँ याद करवा दी, आगे आगे देखिए करता हूँ क्या। How sweet. अब ये तो बुरा मत निकला, अब सॉरी 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 नहीं सूरी, देखा। और चुप है, लोगों के सर बाहर आते हैं, तेरी पहले टांगे बाहर है, तू है कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ तेरा पार्टनर सूरी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं ना यहाँ पे जज बनने आया हूँ, क्योंकि मेरे लेवल का नहीं है ना कोई भी। ओए, लेवल की बात मत कर, जिसके साथ तू जज बनने की सोच रहे ना, तेरे से बड़े बिस्किट चाय में डुबो के खा जाती है। चलो छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ कि मेरी जजमेंट वाली कुर्सी कहाँ गई है? मेरी जजमेंट वाली कुर्सी कहाँ गई? जिसके साथ तू जज बनने की सोच रहा है ना, जब वो पैदा हुई थी ना तब भी तेरे से 2 इंच लंबी थी। चल फुट। ऐसा मत बोलो, नहीं तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। बाकियों का छोड़ो, कम से कम मेरे छोटे भाई के बारे में सोच लो, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। वैसे अर्चना जी, घर में सबसे बड़े होने का यही पंगा है। तू बड़ा है तो बाकी? पूछो मत, हमारी ये वाली जनरेशन तो फिर भी दिखाई दे रही है, नहीं तो मेरे दादाजी वो तो इतने छोटे थे, नहीं इतने छोटे थे कि एक बार उन्होंने टॉस करने के लिए चवन्नी उछाली, चवन्नी के नीचे दबके मर गए। और मेरी दादी तो इतनी छोटी थी कि छिपकली पर बैठ कर पूरा घर घूम मिलती थी। How exciting! चलो छोड़ो सारी बातों को यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ जोड़ी बना लो, मेरे साथ जोड़ी बना लो, मैं बड़ी काम की चीज हूँ। तूने अपना साइज देखा है? ओए, साइज की बात ना कर, तुम्हें नहीं पता ही शॉर्ट साइज का क्या फायदा, उससे पूछ जिसने उठाया है। यार छोड़ो सारी बातों को, मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं ना एक्चुअली गांव से आया हूँ, इसलिए मैं पूरा डेवलप नहीं हो पाया, वैसे मैं पूरा मर्द हूँ। मेरा देखो वोटिंग कार्ड भी बनाइए, देखो वोटिंग कार्ड। अर्चना जी आपको बताऊं कि एक बार मैं वोट डालने के लिए गया ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं डिब्बे पर खड़ा होकर वोट डालने लगा, डिब्बे में खुद डल गया। तो बाहर कैसे आया? वो तो जिस दिन वोटों की गिनती थी ना उस दिन बाहर आया। इलेक्शन कमिश्नर ने खुद खड़े होकर मुझे सल्यूट मारा, कहने लगा भाई कमाल है तू, जिस देश के आधे लोग वोट डालने नहीं जाते वहां तूने खुद को डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, हाँ जब तुम पैदा हुए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं? देखो भाई, करते तो वो है जिनको पता हो कुछ होना है। मेरे मम्मी डैडी ने तो हनीमून प्लान ही किया था, मैं हो गया। मैंने सोचा इतनी सी चीज होनी है, क्यों पापा का खर्चा बढ़ाए। मेरे साथ जोड़ी बना ले, मैं तेरी। बल्ले बल्ले गिरवा दूंगा। बल्ले बल्ले तो ठीक है, इतने बड़े स्टेज पे तुम परफॉर्म क्या करोगे? इतनी बड़ी स्टेज पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस से कम है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ जोड़ी बना रहा हूँ, वैसे मैं लड़कियों को भाव नहीं देता, यहाँ तो बच्चा देता हूँ और यहाँ फिर धोखा देता हूँ। और देख, सबसे बड़ी बात ये है कि तू यहाँ माँ ही बन के आई है, इतनी मेरी गारंटी है कि माँ ही बन के जाएगी। मैं तुम्हारी इज्जत कम नहीं होने दूंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। इज्जत तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक्ट कौन सा करूंगी? अब बॉयफ्रेंड तो तुम मेरे लगते नहीं, अब डॉन भी नहीं लगते, मेरे पति भी नहीं लगते। हाँ, मैं हीर बनूंगी और तुम मुर्गी के अंडे। छोड़ो इन बातों को, ये पर्सनल बातें हम फिर कर लेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बस मेरे साथ एक्ट करते वक्त तुम्हें 2 बातों का खास ध्यान रखना होगा। एक ये कि चलती एक्ट में मुझे बिल्ली मुंह में दबाकर ना ले जाए, और दूसरी दूसरी ये कि विनर को मिलने वाली ट्रॉफी
मेरे से बड़ी ना हो भगवान। ट्रॉफी अब डन डन। हम आ रहे हैं आपको हंसाने और गुदगुदाने इस नए शो पे, नए मंच पर। हो गया सब। चलो सोहेल भाई ताली बजाओ। सुपर सुपर। अर्चना जी अब आप ही बताइए ये नए टैलेंट्स के बारे में, स्पेशली ये, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? सूरी सर आप तो मतलब मुझे हक्का बक्का कर दिया आपने। एक तो आपकी एंट्री, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग एंड दे से यू नो सूरी दैट ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। थैंक यू। कद से ज्यादा एटीट्यूड बड़ा होना चाहिए और आपका एटीट्यूड कमाल का है। सो वेलकम एंड माही, वेलकम वंस अगेन टू यू। थैंक यू। सोहेल जी आप चुप बिल्कुल नहीं रह सकते, आपको बोलना ही पड़ेगा। मैंने माही को देखा टीवी पे पहले एंड आई थिंक शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। थैंक यू। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। लेकिन मेरे भाई सूरी आपने जो किया ना वो कमाल का किया है। कद में छोटे हो लेकिन आप में इतना टैलेंट भरा हुआ है कि आप बहुत आगे निकलोगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग डूड। थैंक यू। तो गोविंदा जी क्या कहेंगे आप इस जोड़ी के महाआरंभ के बारे में? सूरी मुझे फक्र है कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। हमारी नई कॉमेडी टैलेंट कश्मीर की कली प्रिया का तो बहुत से आवाजों से रिश्ता है, लेकिन जब उनका रिश्ता अथर से जुड़ेगा तो देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो प्लीज वेलकम न्यू टैलेंट प्रिया एंड अथर। अरे सुहेल जी, हाय, कैसे आप? बढ़िया। अरे अर्चना जी, अरे पचाना मने पचाना आपने। अरे अरे उस दिन मैं आपसे मिला था ना वो यशराज स्टूडियो में, जब आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के बड़े प्यार से मैंने कहा था एस पॉट दादा एक ब्लैक टी, लेकिन हाँ दूध जरा ज्यादा रखना, ओके? बस उसी दिन मारे को गुस्सा आ गया था सुहेल जी और मैंने ठान ली थी कि मैं अर्चना जी जैसा बन के रहूंगा। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अब रोज रोज कौन जिम जाएगा। अब मैं इतना बड़ा स्टार हूँ तो फिर अब मेरे साथ कोई स्टार ही बढ़ती है ना। अब मैं इतना फिट हूँ ये मारे डोले देखो। रब्बा ऐश्वर्या, रब्बा तू यहाँ क्या कर रही है? कॉमेडी से कसम मैं कॉमेडी करूंगी, तुम्हारी तरह डेली सोप के रोने नहीं रहूंगी। अब आत मत करना, अभिषेक का फोन आ रहा है। हाँ है? हाँ अभिषेक, हाँ हाँ ठीक हूँ, सेट पर पहुँच गई हूँ। हाँ हाँ बाबा। अच्छा सुनो, छत पर से कपड़े उतार देना और कुत्ते को दवाई भी खिला देना। और हाँ सुनो, पापा की हाइट घटाने वाली दवाई नहीं मिली तो मम्मी की हाइट बढ़ाने वाली दवाई जरूर लेते आना, ठीक है? हाँ अभिषेक, मुन्नी की डायपर धोना मत भूलना। हाँ रा बावड़ी भूत, रा मुन्नो अभी पैदा ना हुआ डायपर पहले धुलवा रही है। खट्टा नहीं बुरा हो तुम। ससुर जी कहते हैं कि प्री प्रोडक्शन अच्छा हो तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। अर्चना जी, वैसे आपको क्या लग रहा है कि ये मेरी बेइज्जती करके गई है? इतनी आसानी से मेरी बेइज्जती नहीं होती। हाँ। आपको पता है मैं बहुत ही बेइज्जत किस्म का इंसान हूँ। हाँ, आज तक जितनी भी लड़कियों को मैंने प्रपोज किया है ना, सारी की सारी वैलेंटाइन डे पे आके मैंने राखी बांधी रही है। ये खबर सर का सदा, मैं भी यहाँ खबर कर रही हूँ। पर मैडम जी आपकी तैयारी तो फैशन टीवी के शो जैसी लग रही है। ए माय डियर लैंग्वेज। अरे अरे बाबा, अब कंगना हमें लैंग्वेज सिखाएगी। ए नहीं नहीं नहीं, ये बाल आपके नकली हैं, आपने विग लगाई है। ए ये मेरा असली बाल है, ये देखो ये मेरा असली बाल है। अरे बाबा इतनी सारी चीज। नहीं मतलब आप में ऐसा क्या है कि जो आप ये शॉट मारे को जितवा सकती हो? देखो मेरे पास स्ट्रेटजी है। हां स्ट्रेटजी क्या? स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। अरे तो उसे अपने पास रखो, जो बोल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेटजी का खाक समझ में आएगी। सब मेरे तोतलेपन का मजाक मत उड़ाओ। सब मेरे तोतलेपन का मजाक उड़ाते हैं। सोहेल जी क्या मैं तोतली हूँ? हाँ तुम्हें पता नहीं है मैं हर काम में अपने 100% देती हूँ। कभी कभी तो प्रोड्यूसर लोग मना भी करते हैं,
फिर भी कहती हो। इसीलिए प्रियंका कह रही थी कि ये 100% दे दे के तुम अपने रोल ले लेती हो हमारी रोने से। प्रियंका ने ऐसा कहा? हाँ। आप ही उसको फोड़ लगाती हो। हेलो प्रियंका। हेलो प्रियंका बोल रही हूँ, कंगना। प्रियंका की बच्ची, यू रास्कल, यू इडियट, यू बास्केट। कंगना, इंग्लिश के और तीन वर्ड सीख लिए, वेरी गुड, लकी रहो, लकी रहो। लकी खुद रहती हो, कहती दूसरों से हो। सुबह सुबह अपने घर से लड़के बरामद करने वाली। चुप रहो कंगना, वैसे भी चुप रहती हो तो अच्छी लगती हो। ऑक्सफोर्ड की सड़ी हुई डस्टबिन। तुमने मुझे ऑक्सफोर्ड की सड़ी हुई डस्टबिन कहा, मैं तुम्हारी। अरे बाबा, अरे मां बहन की नमस्ते बाद में कर लेना। रुको, ऐसे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बस एक बात है, गुस्से में बड़ी होट लग रही हो। बात बोल रहा तू कार्टून? अरे छोड़ो। कार्टून कार्टून पे कुछ बना के लाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ जोड़ी बनाऊंगा पक्का। तू कौन होता है जोड़ी बनाने वाला? जिससे जोड़ी बनानी चाहिए वो तो बना नहीं रहा। मैं अपनी जोड़ी खुद बनाऊंगी। अच्छा, सलमान से कह देना सुहेल। हे भगवान जी, वो जी ये कौन से अंगना की कंगना थी? अर्चना जी आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी स्टार आ रही हैं मेरे साथ काम करने के लिए। पर क्या फर्क हुआ भाई, अभी तक बारे को हमारी पार्टनर नहीं मिली। बताओ, मतलब पार्टनर ऐसी होनी चाहिए कि लगे देख के वो यहाँ लैला मजनू की जोड़ी है। तुम? हाँ मैं। कौन हो तुम? मने नहीं पहचाना? नहीं। वो जी मैं सुपरस्टार, मतलब टीवी का सुपरस्टार शोर हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अपना नाम बताओ। Myself प्रिया रैना। हाँ प्रिया रैना। ये सुरेश रैना से तुम्हारा कुछ? ए, वो मेरे भाई जैसा है। अच्छा वो सब छोड़ो, देखो इतनी सारी जोड़ियाँ यहाँ पर और हर जोड़ी में एक ना एक कॉमेडियन जरूर है। हाँ। जैसे कपिल, कृष्णा, भारती, एक हमारी जोड़ी है। देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और तुम भी ब्यूटीफुल ही लगते हो। ऐसा करते हैं हम ना, कपिल से सीखते हैं कुछ। कपिल से? उससे क्या सीखेंगे? यही कि अर्चना जी को लास्ट तक कैसे हैप्पी रखना है, सेट रखना है, ताकि वो हमें 10-10 नंबर देती रहे। अर्चना जी कपिल के नाम पर दे दे। अर्चना जी, अर्चना यू आर अ सोप एक्टर बट यू आर फैंटास्टिक इन कॉमेडी, वेरी गुड। एंड प्रिया, मैं तुमको प्रिया कहूँ या फीमेल VIP कहूँ? यू नो दिस द फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन यू आर रियली माइंड ब्लोइंग। डोला रे आपने हमारा मन वाकई में डोल दिया। Fantastic. अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं सर पंजाब मलेरकोटला से। यू आर फंटेस्टिक। फॉर्चुनेटली हम जैसे लोगों की पैदाइश इंडस्ट्री में हुई है, हमारे पास का और जगह जाने की है नहीं, लेकिन आप जैसे टैलेंट देख के हमें मतलब शर्मिंदगी होती है। अरे नहीं, नो सीरियसली, दैट यू नो देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई प्रे दैट आई एम हियर टू जज। ये कॉन्टेस्ट है, लेकिन आप आगे बहुत बढ़ोगे। थैंक यू सो मच। और प्रिया आपका क्या कहना? आई थिंक यू यूनिक, आई थिंक यू फंटास्टिक, एंड जस्ट कीप इट अप। ऑल द बेस्ट एंड टेक अ सीट। थैंक यू सो मच। आरजे और टीवी एंकर मंत्रा बहुत खुश हैं। एक तो कॉमेडी सर्कस में उनकी एंट्री और दूसरा एक नए टैलेंट के साथ पार्टनरशिप। अब उन्हें क्या पता कि ये पार्टनर उन पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो है कमसिन प्यारी नाजुक कोल्हापुरची मुलगी विशाखा। प्लीज वेलकम कॉमेडी सर्कस पर पहली बार न्यू टैलेंट विशाखा और आरजे मंत्रा। गुड मॉर्निंग मुंबई। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर हिट रेडियो स्टेशन पर सुपर हिट आरजे मंत्रा एक बार फिर आपके बीच आ गया है आपका सुपर हिट शो लेकर। अर्चना जी हेलो। हेलो सोहेल भाई, सब खैरियत? पहला एपिसोड है, खैरियत तो होगी। 4-5 एपिसोड के बाद यही सवाल मैं आपसे फिर से पूछूंगा। अर्चना जी जो बैठी है ना पड़ोस में, वो डायनासोर के टाइम से यहीं पर बैठी हुई है। लेकिन भाई अब ये कॉमेडी सर्कस का नया दौर है और इस नए दौर में मैं आया हूं यहां पर अपना टैलेंट दिखाने। बस एक ही कमी है,
मुझे एक पार्टनर की जरूरत है और ये पार्टनर मैं ढूंढूंगा आप में से, आप में से, आप नहीं। डायनोसर अभी भी एक बैठा हुआ है। लेकिन भाई अगर आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे कॉल करना है। मेरा नंबर है 9820। आप देख सकते हो मैं कितना बड़ा आरजू, नंबर पूरा बोलाने की कॉल आ गया। हेलो हेलो, ओ एक सेकंड। हेलो हाय आई हाय। जब से मैंने आपकी आवाज सुनी है मेरे तो होशो आवाज उड़ गए। मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात कर रही है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई, लॉटरी लगी मेरी जी। मैं भी आपसे बात करने के लिए बेताब हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। सच? सच्ची। लेकिन मैं मैरिड हूँ, चलेगा? चलेगा चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपके पति को तो कोई एतराज नहीं होगा? अरे मैं पति बोल रहा हूँ। सुनना ए, फोन रख। आता हूँ ना। अरे फोन रख। सुनना अरे पागल आदमी, फोन रख। कि ये लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं रेडियो पे हूँ, गेडियो पे नहीं हूँ। किसी किसी लोग फोन कर रहे हैं यार, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे अपने किसी फैन को ढूंढना पड़ेगा। ये रखा था, हाँ रुको। मेरा फैन, एक रहना। हेलो। पक्का आप भिजवा रहे हैं उनको? ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ इसी बात पे। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, खबर आ गई है, मेरा पार्टनर, मेरे कहने का मतलब मेरी पार्टनर मुझे ज्वाइन करने के लिए किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। जरा म्यूजिक बजाओ, आ रही है अनारकली। क्या है, तुम कौन हो? अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है शहजादे। अरे मैडम, ये पिक्चर से बड़ा प्रोमो तो मैंने पहली बार देखा है। अरे इतनी बड़ी तो अकबर की सल्तनत नहीं थी जितनी बड़ी तुम हो। असली अनारकली को भेजो मेरा बेटा। तो हिम्मत कीजिए शहजादे, मैं ही हूँ अनारकली। ये कली है? अरे ये कली है तो जब बड़ी होकर फूल बनेगी तो क्या पूरे बगीचे में लेटोगी? असली अनारकली को भेजो, ये मेरे साथ गलत हुआ है। मैं ही हूँ अनारकली। हमसे बदतमीजी, मोहल्ले मोहल्ले फैंस है मेरे। ओहो, अपने आप को देखा है आपने मोहतरमा? आप अपने आप में एक मोहल्ला है, आपके आजू बाजू एक पूरा शहर बस सकता है, शहर बैंड्रा वर्ली सीलिंग के साथ। गुस्सा मत दिलाओ, समझे? समझ रहा हूँ। वैसे ये उंगली में छोटी सी चोट कैसे लगी आप? बहुत साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात है? पहला महायुद्ध कब हुआ था? 1943। तो बस परसों की बात है। दो लोकल ट्रेनें आ रही थी, धड़क 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 आगे, वो एक दूसरे से टकराने वाली थी, धड़क 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 फिर धड़क धड़क, और मैंने मैंने बीच में हाथ डालकर उन्हें टकराने से बचाया। तुम तो कमाल की टैलेंटेड लड़की लगती हो। एक बात तो बताओ, तुमने कभी किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है? हाँ शहजादे, हमने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था। ओहो, उस कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमारे बहुत से नेताओं ने भी हिस्सा लिया, अपना अपना, और घर चले गए। हुआ है भाई, हुआ है। अच्छा मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। चुप कर, इतनी इंक्वायरी करे जा रहा है, पहले ये बता तू होता कौन है? मैं वर्ल्ड फेमस इन मुंबई आरजे मंत्रा। तू बोलते रहे बचाते रहो बचाते रहो बचाते रहो, अरे ये ऐसा मंच है जहाँ अच्छे अच्छों की बच जाती है। तो मतलब कि आपकी और मेरी जोड़ी बन सकती है इस मामले? एक बात बताए, आपका हमें हर स्टाइल पसंद है, और स्पेशली जो आप ये अदाएं दिखा रही है, ये नजाकत वाली, ये बहुत अच्छी लगी हमें। अरे पगले, ये नजाकत नहीं, तम्बाकू बना रही हूँ। मैं कोई अनारकली नहीं हूँ, तो फिर मैं विशाखा हूँ, विशाखा। अरे वाह, अरे तुम तो मल्टी टैलेंटेड निकली। हाँ। आपके और मेरी जोड़ी पक्की बनेगी, पक्की। हाँ, पक्की, पक्की। अरे ठुंगे मारते, पक्की पक्की। अबे पकड़ के तो खड़ा रहे। अरे फल पकने के बाद तो नीचे ही गिरेगा ना विशाखा। चप्पल लुकड़ा दी मेरी। हाँ नहीं तो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी,
तुमने और मैंने मिलकर यहाँ पे गुल तो बहुत खिला दिए, आगे आगे देखे होता है क्या? अरे तो अर्चना जी, सोहेल जी, समझ लीजिए कि यहाँ पर कॉमेडी सर्कस के मंच पर खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। नहीं, मेरे कहने का मतलब है दो हंसाने वाले और दो हंसने वाले। तो भाई कॉमेडी सर्कस के मंच पर विशाखा और मंत्रा की जोड़ी पक्की और हमारा एक ही है लक्ष्य, बजाते रहो। शहजादे मंत्र और अनारकली विशाखा, आप दोनों की जोड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन जान लेते हैं उनको कैसी लगी अर्चना जी। वाह, क्या बजाया है। आफ्टर सो मेनी सीजन्स ऑफ जजिंग कॉमेडी सर्कस, ये पहला एक नया दौर एक्चुअली है कि पुराने आर्टिस्ट एंड द न्यू टैलेंट इज कमिंग टुगेदर विथ सच ग्रेट फोर्स एंड विथ सच ग्रेट प्रॉमिस। So hats off to all of you and especially to the both of you. I really promise. So hey. Mantra, I'm going to start with you. Aapki jo expressions hai, Lauren Hardy ke Laurel. Thank you. So matlab in that case ye hamari Hardy ho gayi fir. Vishaka, aap jo apne body language ka jo aap istemal karte ho, that is fantastic. I wish you all the best. And I think you guys are a great jodi. Thank you. Thank you. Please take your seat. Chaliye bhai. To Sohel, bataiye, kaisi lagi aapko hamari charo tadakti bhadakti ladkiyon ki performance? तो लीजिए, आखिरकार बज गई सोहेल की सीटी हमारी चारों तड़कती भड़कती लड़कियों के लिए। जी सी, आई वांट टू से थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर हमारे ग्रैंड ओपनिंग एपिसोड में आए। ये बोल रहे थे आपके बिगेस्ट फैन है, नहीं, आई बेग टू डिफर, आई एम योर बिगेस्ट फैन एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन नया दौर। थैंक यू सो मच।